गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है पापा का सरप्राइज बर्थडे व्लॉग। और पापा का गिफ्ट आ चुका है ऑलरेडी एक हफ्ते पहले। गिफ्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, अभी मैं नहीं बता रही हूँ। तो गिफ्ट जो है ना वो हमारे पास रखा हुआ है ऑलरेडी, और इतनी ज़्यादा बटरफ्लाईज हो रही थी कि हम बता दें बट नहीं बताना है। तो सुबह के 6 बजे प्लान हुआ था बट सब सोते रह गए, सब लेट उठे क्योंकि आज संडे का दिन है 16 जनवरी। तो सबके सब सोते रह गए, कोई बात नहीं यार ठीक है, मतलब संडे है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने सुबह 6 बजे इसलिए प्लान किया था क्योंकि पापा उठते हैं और ब्रश व्रश करते हैं, पूजा करते हैं, हम लोग चुपके से जाके ना उनके बेडरूम में रख देते हैं। अब पापा सो रहे हैं बेड पे, तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कब वो अपने बेडरूम से बाहर निकले, वो अपना रूम छोड़ें थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे हम वो चुपके से गिफ्ट रखते जाके। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, डांट पड़ेगी और उन्हें पसंद आएगा, मतलब खुश तो वो होंगे ऑब्वियसली। अगर आपका बच्चा आपको कुछ भी गिफ्ट देता है तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, बट इंडियन पेरेंट्स का कुछ पता नहीं है यार कब डांट पड़ जाए, किस बात पे डांट पड़ जाए, कुछ नहीं बताओ। मतलब मेरी तो बहुत डांट पड़ती है, मेरी लिटरली मैं घर में वो इंसान हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। यस, तो बात करें अगर और हमने आगे का क्या प्लान कर रखा है, हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं सोचा हुआ है क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले ही मेरी दादी की डेथ हुई है। तो होली हो जाने के बाद हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि सेलिब्रेशन करने से उन्हें बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक फैमिली मेम्बर का जो लॉस होता है ना वो बहुत बड़ा लॉस होता है कि नेक्स्ट डे से आपको वो इंसान एकदम से घर में दिखना बंद हो जाता है, तो वो मतलब अलग ही लेवल का लॉस होता है। अभी हम उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं और जब हम रिकवर हो जाएंगे अच्छे से तब हम अपने सेलिब्रेशंस कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा हम लोग देखते रहते हैं, मतलब गिफ्ट वगैरह जैसे हमने प्लान कर लिया, अच्छा सा खाना हम लोग ऑर्डर करेंगे रात को। अभी मम्मा क्योंकि बनाएंगी मिक्स वेज की सब्ज़ी जो कि पापा की फेवरेट है, पापा को बहुत पसंद है, तो हम लोग रात को अच्छा सा डिनर ऑर्डर करेंगे जोमैटो से। गाइस, सो अभी पापा अपने रूम से शायद बाहर आ गए हैं, तो मैं उनका गिफ्ट रखने जा रही हूँ उनके रूम में। बस ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाए और देखते हैं। ओके गाइस, सो बज रहा है इस टाइम ऑलमोस्ट 11 होने वाला है, और पापा ने भी हमारे साथ खूब बढ़िया से खेला है, मतलब पापा के जस्ट पड़ोस में रखा हुआ है फ़ोन और वो देख ही नहीं रहे हैं, और अभी वो चले गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। ये एक बार जब पापा बेड से उठ जाते हैं तो फिर वो अपना सब काम निपटाने के बाद मार्केट का घर का फिर वो वापस आके अपने बेड पे बैठते हैं। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि पापा जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, पर वो आ नहीं रहे हैं यार, क्यों इतना तंग कर रहे हैं। गाइस 11:30 हो गया है, पापा आ चुके हैं बट उन्होंने अभी तक बेड नहीं उठाया है, मैंने जगह चेंज कर दी है और आगे को रख दिया है ताकि वो देख लें, बट बाहर हैं अभी, वो आ ही नहीं रहे। यार ये क्या हो रहा है? अगर पापा ने आज नहीं देखा ना ये, फिर मैं अगले साल दूंगी उन्हें ये गिफ्ट। भैया तबीयत खराब हो जाती है वैसे भी, मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो कुछ भी, मैं ना मैं चावल खाऊंगी और ना मैं ये सब खाऊंगी। मैंने
चला रहा हुआ क्या था कि पापा मार्केट चले गए थे, फिर वो मार्केट से आए, मार्केट से आने के बाद उन्होंने खाना खाया वहीं बैठ के फोन के पास, पर उनका ध्यान नहीं गया और मैंने बहुत पास में रखा था फोन, फिर उन्होंने नहीं देखा, उनका ध्यान नहीं गया, फिर वो चले गए गेहूँ पिसाने। और जब वो गेहूँ पिसाने के लिए चले गए और उन्हें एक जगह और जाना था, तो मुझे लगा कि हाँ उन्हें आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं जाके नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। और मैं चली गई थी नहाने और मैं अपना फ़ोन अंशी को दे गई थी। लकीली मैंने, मतलब मुझे लग रहा था कि अगर पापा इन मीनवाइल आ जाते हैं तो, और वही हुआ, पापा जल्दी आ गए। पापा वो दूसरी जगह नहीं गए कि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसलिए पापा वहाँ नहीं जा पाए और पापा सीधा आ गए 10 मिनट में। मतलब गेहूँ पिसाने जाते हैं तो आधा घंटा तो लग ही जाता है, पर लग यार कोई कुछ भीड़ नहीं थी वहाँ पे, कोई भी नहीं था, तो इसलिए पापा आ गए। और मतलब ठीक है, मैं उनका रिएक्शन लाइव नहीं देख पाई, जबकि मैं सुबह से वहाँ बैठी हुई थी जाके, और मैं उनका रिएक्शन नहीं दे पाई, बट कोई बात नहीं, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब जब मैं आई वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, बट जब मैं आई तो पापा बहुत ज़्यादा खुश। सो शाम के लिए हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया, जो कि पापा का फेवरेट फूड है, दाल मखानी विद मिस्टी नान। और जोमेटो से दाल मखनी भी आ गई है, मिस्टी नान हम लोगों ने दूसरी जगह से करी थी, दोनों जगह पापा की फेवरेट हैं। वीडियो में मैं आप लोग को बस एक यही चीज़ कह सकती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं हमसे, हम उनके लिए कुछ भी छोटा मोटा कर देते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्लस हमारे पेरेंट्स थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के हैं, मतलब सारे पेरेंट्स नहीं बट कुछ कुछ होते हैं ट्रेडिशनल, तो उन्हें इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करना, अपना बर्थडे इतना ज़्यादा इन्जॉय करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, बट हम उनके किड्स हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम जो भी करेंगे उनके लिए वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि हाँ जो चीज़ वो अभी तक नहीं ले पाए कुछ रीज़न्स की वजह से, ऑब्वियसली हम ही रीज़न होते हैं क्योंकि वो सारा खर्चा हम ही पे करते हैं, तो जो चीज़ वो नहीं ले पाए आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो जो उनके काम की है, जो उनके काम आ सकती है आगे चल के भी। और मैंने पापा को जो फ़ोन गिफ्ट किया है वो है सैमसंग गैलेक्सी का M12 और 6 GB रैम है उसकी, 128 स्टोरेज है। सो आई थिंक वो हमारे पेरेंट्स के लिए इनफ है, आगे आने वाले टाइम में भी वो फ़ोन अच्छा चल जाएगा। और 6000 mAh बैटरी है तो पापा जी भर के यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, वो आराम से 2-3 दिन चल जाएगा। तो उनके लिए मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है जो आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बाकी अगर आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।